हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना काल में लोकल ट्रेन में उमड़ती भीड़ को देखते हुए मध्य रेलवे द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई है और ये अभियान जो है 2 गज की दूरी यात्रियों में बेहद जरूरी करके इस अभियान को नाम दिया गया है। यदि आप मध्य रेलवे से सफर करते हैं और कहीं लंबी यात्रा करना है तो आपको इन सभी चीजों का पालन करना होगा। आखिर 2 गज की दूरी जरूरी क्यों है ये हम आपको दिखाते हैं और अभियान किस तरीके से चलाया जा रहा है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये जो सीट्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टिकर्स लगाए गए हैं, प्लीज डू नॉट सिट हियर, कृपया यहाँ नहीं बैठे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर यात्री के बीच में, अगर समझिए एक यात्री के तौर पर मैं यहाँ बैठती हूँ तो मेरे यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं बैठेगा और सामने भी इसी तरीके के स्टिकर्स लगाए गए हैं। तो समझ लीजिए कि यदि आप एक सीट पर बैठते हैं तो एक सीट पर अमूमन 3 यात्री या 4 यात्री बैठते थे, अब ऐसे में केवल 2 यात्री बैठेंगे। इसी तरीके की स्टिकर्स जो है ये पूरे कोच में लगाए गए हैं जहां पर आप सभी को इस 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और एक दूसरे के बीच सामान्य दूरी जो है वो बनाए रखनी होगी। पूरे बोगी में इसी तरीके के जो स्टिकर्स हैं वो मध्य रेलवे द्वारा लगाए गए हैं ताकि आप लोगों को जागरूक किया जा सके, कोरोना के बढ़ते प्रकोप से आप लोगों को बचाया जा सके। अब यात्री जो इसमें सफर कर रहे हैं उनसे हम जानते हैं, आंटी इस तरीके के जो स्टिकर्स हैं वो मध्य रेलवे द्वारा लगाए गए हैं एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के लिए, कैसे देखते हैं इस अभियान को, कैसे देखते हैं इस अभियान को कि आपके बाजू में कोई यात्री नहीं बैठेगा, आपको एक दूसरे के बीच दूरी बना के रखना है? ठीक है मैडम। लगता है लोकल ट्रेन में संभव हो पाएगा दूरी बना के रखना एक दूसरे के बीच? देखो बोलेंगे सुनेंगे तो उनकी इच्छा, नहीं सुनेंगे तो हम क्या करवाएंगे। लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। पालन तो करना ही है हमको, तो बता जाएगी भाई एक दूरी जरा लंबा बैठी है तो सुनो तो अच्छा ही है ना, कि भाई हमको भी बीमारी से बचना है। तो ये जो कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है। और भी कुछ यात्री हैं इस ट्रेन में, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन देखिए ये कैसे, जब आप मध्य रेलवे में सफर करेंगे तो आपको कई चीजों का पालन करना होगा। इस कोरोना काल के बीच में जब सेवाएं शुरू की गई हैं तो लाखों की संख्या में महिला यात्री जो है ट्रेनों से यात्रा कर रही हैं, ऐसे में आप लोगों को नियमों का पालन करना होगा। हम कुछ युवा हैं उनसे बात करते हैं। ये जो स्टिकर्स आप लगे हुए देख रहे हैं, आपको शायद मालूम होगा कि मध्य रेलवे का एक अभियान है कि आप जब बैठते हैं तो एक दूसरे के बीच दूरी बना के रखें। तो कैसे देखते हैं इस अभियान को, क्या कोरोना से बचा जा सकता है इसको देखकर? एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखना आप समझते हो जरूरी है? हाँ जरूरी है, आप लोग को अपने आप से बचाना रहेगा तो डिफरेंट रखना पड़ेगा, उतना अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। पहले एक सीट पर 3 लोग बैठते थे या 4 लोग बैठते थे लेकिन अब 2 लोगों को बैठना होगा, तो सही किया है मोदी जी ने कि सही किया है कि सबको दूर दूर रहना, मतलब जितना दूर रहेंगे उतना अपन अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे रखेंगे। और प्लीज घर में जो भी है सुरक्षित रहे, ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकलो और मास्क पहने ज्यादा से ज्यादा। और भी कुछ यात्रियों से हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि वो इस अभियान को, इस पहल को कैसे देख रहे हैं। मैम स्टिकर्स लगाए गए हैं ट्रेन में एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के लिए, मानती हैं कितना सफल होगा यह अभियान और किस तरीके से देखें? नहीं होगा क्योंकि अभी सुबह तो 4-4 सीट आते हैं, सुबह जब भी आते हैं ना तो आज तो मैंने देखा 4 सीट भी बैठी थी। अच्छा, पॉसिबल नहीं है ये बीच की जगह छोड़ने। लेकिन इस अभियान को अगर जो आप जो शुरू किया गया है अगर इसको सही तौर पर देखे तो ये जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें यात्रियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी है, निभानी है यात्रियों को, जो खुद जिम्मेदारी निभाएंगे वही इसका उनको ही उसको लाभ होगा। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने बताया कि लोकल ट्रेन में इस तरीके से एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखना संभव नहीं है, लेकिन ये संभव आपको करना है और यही कारण है कि इस अभियान की शुरुआत की गई है कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो इन स्टिकर्स पर आपको ध्यान देना होगा, एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखनी होगी और कोरोना से बचना है तो इन सभी नियमों का पालन आपको लोकल ट्रेन में सफर करते हुए करना होगा। कैमरा पर्सन अनुप्रसोगी के साथ रेणु चौधरी, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।